हम बात करने वाले हैं भैया शिवा एनु के प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में कि भैया इसका फ्यूचर कहां तक ब्राइट होने वाला है या फिर क्या इसमें संभावनाएं हैं, सभी विषयों के बारे में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले डैम श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हो, हिट द बेल आइकन ताकि फ्यूचर में आने वाली क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी न्यूज हो कभी भी मिस न करना। जहां पर देख सकते हैं जो शिवा इनू है उसका यहां पर जो प्राइस का यहां पर चेंज है 8.5% लॉस में देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहां पर बिटकॉइन बहुत तगड़ी तरह से डंप हुआ था भैया। उसके बाद में यहां पर देख सकते हैं जो यहां पर हमारा रैंक था 50 पर वापस आ चुका है। और इसके अलावा कुछ अगर अपडेट्स देखे जाए मार्केट कैप भैया 8% लॉस में है, फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप भी भैया लगभग 8% लॉस में है, और जो वॉल्यूम है इसका जो यहां पर लगभग 17 से 18% तक हमें लॉस देखने को यहां पर मिल रहा है। इसके बाद में अगर नीचे ग्राफ पर आऊं तो भैया यहां पर देख सकते हैं ग्राफ में यहां पर पूरी तरह से वही बदलाव हमें देखने को मिल रहा है जो यहां पर कुछ दिनों पहले देख रहा था, और वापस यह चीजें लॉस में आना स्टार्ट कर दी गई है। जो हमारा सेकंड नेक्स्ट टारगेट था कि भैया कॉइनबेस पर लिस्ट होने के बाद में बहुत तगड़ी यहां पर रफ्तार पकड़ सकता है, लेकिन वहां पर उसके बाद में भी कोई सुधार वाली बात नहीं है कि भैया लगातार बढ़ना चाहिए, ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होना चाहिए, वो वाली बात यहां पर एकदम बिल्कुल भी नहीं आई। क्योंकि हमने सोच कर रखा था कि भैया कॉइनबेस पर अगर लिस्ट हो जाएगा तो उसके बाद में लगातार धीरे धीरे इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होगा, इंटरडे वाले बंदे आएंगे, उसकी जगह से वॉलिटिलिटी बढ़ेगी, उसकी वजह से लगातार हमारा जो प्राइस का मूवमेंट है लगातार ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब इसकी जो संभावनाएं हैं भैया 1 पैसे को या फिर 1 सेंट को टच करने की बहुत 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 कम रह गई है, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट था कॉइन बेस वो यहाँ पर लिस्ट कर चुका है। उसके बाद में भी हमें तगड़ा वाला है यहाँ धमाका देखने को नहीं मिला है ज़्यादा से ज़्यादा। चलो ठीक है, अगला हमारा टारगेट है रॉबिनहुड भी चाहिए भैया। चलो मान लीजिए लिस्ट कर भी लेता है, ठीक है, तो रॉबिनहुड ने मान लीजिए लिस्ट कर लिया और हमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 नहीं 200 नहीं चलो 500% का रिटर्न देखने को मिल गया। और अगर इतना रिटर्न एक साथ में आता है तो एकदम से सभी लोग इसमें से सेलिंग कर देंगे, इसके जो होल्डर है बहुत यहां पर तगड़ी तरह से गिरेंगे, ट्रेडिंग वॉल्यूम खतरनाक से एक बार बढ़ेगा, उसके बाद में एकदम से काफी ज्यादा नीचे गिर जाएगा, उसके बाद लगातार सेलिंग ही सेलिंग हमें देखने को यहां पर मिलेगी। जो स्टेकिंग का फीचर है वो यहां पर जो अवेलेबल करवाया था उसमें से भी लगभग मोस्टली लोगों ने यहां पर पैसा निकाल लिया है। तो शिवा की हालत अभी तो बहुत तगड़ी यहां पर खराब चल रही है। मार्केट की जो डोमिनेंस है 0.2% से ऊपर चला गया था, वो यहां पर वापस आ 0.15%। इसके बाद में यहां पर थोड़ा और अगर नीचे आकर डिटेल में आपको चीजें बताऊं तो भैया देख सकते हैं यस्टरडे का चेंज में हमें लगभग 14% का लॉस देखने को मिला है, आज का भी देखे लगभग 8% का लॉस है। तो भैया 2 दिन में देख सकते हैं वापस लगभग 20-30% लॉस से आने की संभावना हमारे सामने नजर आ रही है। अब अगर बात कर ली जाए कि इसका भैया 2021 तक क्या यह 1 पैसा पहुंच सकता है तो या नहीं, तो भैया सीधी सी बात बताऊं, पहली तो बात इसमें सर्कुलेटिंग जो सप्लाई हो यहाँ पर अपडेट नहीं हो रही है, कि मतलब इतनी बर्निंग यहाँ पर किया जा रहा है उसके बाद में भी यहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा है, वो आपको यहाँ पर बता दो। जहाँ पर देख सकते हैं जो भी बर्निंग होती है यहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर देख सकते हैं लास्ट बर्निंग अभी हुई है 1,64,000 को तकरीबन टोकन की, उसके बाद में तकरीबन हुई है 2,70,12,528 टोकन की। उसके अलावा लगातार बर्निंग यहाँ पर अवेलेबल होती रहती है, जहाँ पर देख सकते हैं Binance 14 की तरफ से, Crypto.com 2 की तरफ से, KuCoin की तरफ से, Binance की तरफ से, FTS एक्सचेंज की तरफ से, मतलब बर्निंग तो यहाँ पर होती आ रही है। अब इस टोकन को बढ़ाने वाली कड़ी मात्र एक बर्निंग रह गई है, अगर बहुत बड़ी तादाद में धीरे धीरे बर्निंग नहीं किया गया तो भैया यह कॉइन कुछ भी नहीं करवाएगा, चाहे इसके कितने भी स्ट्रांग फंडामेंटल हो या फिर कितना ही बड़ा इसका इकोसिस्टम बन जाए, जैसे लेस हो गया, लीस हो गया, बॉन हो गया, सिवन ने मिलकर एक तकड़ा इकोसिस्टम बना के रखा है, स्टेकिंग इनके अवेलेबल है, खुद का यहाँ पर स्वाप आ गया, खुद की यहाँ पर ब्लॉकचेन के बारे में बातें की जा रही है, लेकिन भैया कितना भी फंड इनके सामने अवेलेबल हो फिर भी यहाँ पर मेन चीज़ है जो इनकी सप्लाई है, जैसे ही सप्लाई कम होगी तो इसमें प्राइस में मोमेंटम हमें अच्छा देखने को मिलेगा, वरना भैया इससे आस आप हटाएं तो ही बेहतर रहेगा। ये मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बस मेरा जिसका मेरे को जो यहाँ पर डाटाज मिले या फिर जो चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए कहनी चाहिए वो यहाँ पर मैंने बताया कि भैया आप मेन केवल बर्निंग ही रहा है, अगर बर्निंग नहीं है तो भैया इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं। और दूसरी चीज़ जाके भैया अगर सभी यहाँ पर जो भी एक्सचेंज है वो यहाँ पर एकदम से प्रमोशन करे तो इसको एकदम से बढ़ाया जा सकता है, उसके बाद में वापस वही चीज़ हमें देखने को मिले कि भैया शिवा टोकन वापस नीचे आ चुका है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।